नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एगॉन गेमिंग में। तो हिस्ट्री के लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा ही था कि हमें जो है एक नया फ्रेंड मिल गया था, यानी कि नया एक ड्रोन वाला फ्रेंड, वो जो है हमें यहाँ से डेड सिटी से बाहर निकालने की जो हेल्प है वो यहाँ पे कर रहा था। तो उसे ना काफ़ी सारी चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि ना उसकी जो मेमोरी है वो यहाँ पे पूरी तरीके से ख़राब हो गई होती है। इसी वजह से हम जाते हैं मोमो के पास, और मोमो जो है हमें रास्ता बताने का जो है लाइक प्रॉमिस कर देता है कि वो हमें रास्ता तभी बताएगा जब हम उसके लिए थोड़े बहुत काम वाम कर देंगे। तो हम जो है उसके लिए कुछ बुक्स वगैरह ढूंढ के उसको ला के दे देते हैं। उसके बाद जो है वो हमसे बोलता है कि सबसे ऊंचे वाली बिल्डिंग पे जाके जो एंटीना है, यानी कि जो ट्रांस रिसीवर है, वो हम जाके लगा दे। तो आज से जो हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमें जाना है यहाँ पे जो ट्रांस रिसीवर है उस वाली बिल्डिंग पे लगाने के लिए, सबसे ऊपर वाली। और अभी ना मैं बीच वाले रास्ते में हूँ, क्योंकि जो मोमो का घर है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। तो अभी मुझे यहाँ से भी आगे की तरफ जाना है। ऑल राइट, तो अभी मैं चल लेता हूँ यहाँ से। वैसे रास्ता तो यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यही एक रास्ता है वहाँ पर जाने का। आप क्या है ना, उसने हमें इसलिए काम दिया हुआ है क्योंकि हम जो काम है ना वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम एक टाइप की बिल्ली हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम इस डोर को यहाँ पर हैक कर लेते हैं, जिससे कि ये सारे के सारे जो बंदर है ना, यानी कि बंदर नहीं, छोटे मोटे जो कीड़े हैं ये यहाँ पर आ जाएं। ये ना कीड़े जो है ना बिल्ली को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। मुझे पता नहीं इनको एक्चुअली में इनका जो नाम है वो आखिर में क्या है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है मुझे यहाँ से चल लेना होगा और मुझे जाना है वहाँ पे ऊपर के साइड। ऑल राइट, तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आ तो चुका हूँ। मेरे हिसाब से ना मुझे इस ये जो ढक्कन आपको दिख रहा है ना, यानी कि ये जो ड्रम है, इसको मुझे यहाँ पे खिसकाना होगा और उसके बाद जो है मुझे यहाँ से ऊपर की तरफ जाना होगा। बट मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं ना इसको इसके पास जैसे जाता हूँ ना, तो सारे के सारे जो है मेरे ऊपर हमला कर देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लूँगा ना, उसके बाद ये जो है इस साइड में आ जाएंगे, उसके बाद मैं जो है जंप करके वहाँ पे जा सकता हूँ। तो एक बार जो है इसको ट्राई कर लेता हूँ। ऑल राइट, इसको मैं हैक कर लेता हूँ और अभी जो है मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तो आ चुका हूँ। ऑल राइट, तो ये जो है शायद काम कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है काम कर गया। अभी मैं इसको यहाँ पर खिसका सकता हूँ फटाफट से। इनको ना मैंने लाइक एक तरीके से जो है ट्रैप में बंद कर दिया और इन लोगों को पता भी नहीं चला। ठीक है, अभी बाहर निकलता हूँ। अभी मैं अभी इसके ऊपर जंप करना है, इसके ऊपर जंप करना है। ऑल राइट, तो जैसा मैंने सोचा था वैसा अभी जो है हो रहा है और मैं ठीक तरीके से जो है यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। मैं सोच ही रहा था कि मुझे जो है अभी यहीं पर जाना होगा, क्योंकि अगर इस बिल्डिंग के पास जाना है तो मुझे इसी से होते हुए जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं वहाँ पर जा पाऊँ। सामने की तरफ और भी ऐसे छोटे मोटे कीड़े और भी हैं। एक सेकेंड, ये कीड़े हैं कि बस सो रहे हैं? एक सेकेंड, शायद ये सो रहे हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब इस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए ना मुझे यहाँ पे इसको खोलना पड़ेगा, और इसको खोलने के लिए मुझे हैकिंग वगैरह करनी पड़ेगी क्या इस डोर की? वैसे लगता तो ऐसा नहीं है कि मुझे इन डोर की हैकिंग करनी पड़ेगी, तो मैं एक बार नीचे चल कर देख लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी कि मैं आराम से जो है यहाँ पर जा सकता हूँ। इसको मैं उस साइड में लिटा देता हूँ, जिससे कि मैं उस साइड में जा पाऊँगा। ऑल राइट, और यहाँ से मैं अंदर की तरफ जा तो सकता हूँ, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। ये पूरा उन्हीं का इलाका है ऐसा मैं कह सकता हूँ। एक सेकेंड, वो अभी मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। चलो अच्छी बात है, दिखाई ना दे तो ही बेटर है, बट मुझे आवाज़ आ रही है। एक सेकेंड, यहाँ की जो एयर क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार है। मुझे जो है धीमे धीमे इसी तरीके से जो है बढ़ लेना होगा, क्योंकि मुझे लग तो रहा है आगे की तरफ वो फिर से हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक सेकेंड वो रहे, क्योंकि इन्हीं का इलाका है तो ये अपने इलाके में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। तो ये यहाँ पर मुझे दिख तो गए हैं, और यहाँ पर ये जो है इनको तोड़ के आ गए हैं, क्योंकि जैसे ही इनको बिल्ली का पता चलता है ना, ये चूहे जैसे आ जाते हैं। बट चूहा तो भागता है बिल्ली से, बट ये पता नहीं किस टाइप के कीड़े हैं। अगर आपको पता तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अभी मैं वैसे जाऊँगा तो किधर से जाऊँगा? अगर मैं सामने की तरफ से जाऊँगा तो बच जाऊँगा। ऑल राइट, लेकिन मैंने ना थोड़ी देर कर दी, अगर मैं थोड़ा जल्दी आता ना तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि अभी तो ये जो सारे के सारे हैं ना ये मुझे परेशान ही कर लेंगे। ऑल राइट ऑल राइट, ये बहुत तेज़ है। एक काम करता हूँ, इनको जाने देता हूँ, अभी जो है यहाँ पे हमला करता हूँ मैं। ऑल राइट, नहीं 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 नहीं, निकल लो निकल लो यहाँ से, निकल लो निकल लो, इधर से निकल लो। ऑल राइट, अभी जो है मेरे पास नहीं आ सकते, इतना तो मैं कन्फर्म कह सकता हूँ। ठीक है, बच गया मैं,
बट यहाँ पर मुझे फिर से आना है, लेकिन यहाँ पर तो आगे की तरफ फिर से है। अभी मैं जैसे ही यहाँ नीचे उतरूँगा वैसे ही मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और मैं जाऊँगा किधर से, मेरे हिसाब से मुझे उसके ऊपर जाके यहाँ से जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। तो एक काम करता हूँ, इनको जो है यहाँ पर आने देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद जो है आगे की तरफ जाऊँगा। लेकिन ये बेचारे ना मेरे ऊपर हमला ही नहीं कर रहे, तो मेरे हिसाब से मुझे इनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। ऑल राइट, ये गया ऑल राइट। अभी ये जो मेरे ऊपर नहीं आ सकते हैं। मैं गलती कर दी मैंने। ठीक है, अब नहीं आ सकते हैं, बच गया मैं। अभी मैं इसके ऊपर जाऊँगा और यहाँ से इसके ऊपर जंप कर दूँगा। बच गया यहाँ पे गिरते। एक सेकेंड, ये फिर से उन्हीं के इलाके में आ गया मैं। ये पूरा का पूरा इन्हीं का इलाका है, इन्होंने बुरी तरीके से जो है इसको अपना बना लिया है। अभी किधर जाऊँ, अगर मैं और आगे जाऊँगा तो वो पीछे पड़ जाएंगे मेरे, या फिर शायद से जगह बंद है। ऑल राइट, ये बंद है, अगर मैं इसको खोलूँगा तभी ये जो है आगे की तरफ आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। बट मुझे ज़रा इनका प्लान बना लेना होगा कि मैं किस टाइप से जो है अंदर की तरफ जाने वाला हूँ। अभी ना मुझे एक सेकंड, मैं समझ गया मुझे किस तरीके से जाना है। सबसे पहले तो वो जो ड्रम है ना, मुझे अंदर से बाहर की तरफ लेके आना है, उसके ऊपर इसके ऊपर जाना है, फिर उसके ऊपर जाना है। बट उसके लिए मुझे इसको खोलना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई चीज़ है शायद से, इसकी मेमोरी यहाँ से वापस आ सकती है मेरे B12 ड्रोन की। ऑल राइट, नीको कॉर्प, they were responsible for waste management attracted from the upper levels, overloaded the slums, they tried to develop the bacteria to dissolve it all, growing, eating away more than trash, and now we have zergs. All right, तो इनका नाम शायद zergs है, zergs, ये छोटे छोटे ये जो कीड़े हैं इनका नाम zergs ही है। और यहाँ पर ये किसी कंपनी का एरिया है, और कंपनी जो है ह्यूमंस के मरने के बाद यहाँ से चली गई, और जो वायरस है वो यहाँ पे, जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे म्यूट हो गया, मतलब उसका जो म्यूटेशन है वो हो गया, और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे जो जक्स है ये यहाँ पर आ गए। अगर मैं इसको यहाँ पे खोल दूँ तो परेशानी मेरे लिए ही खड़ी हो जाएगी, अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर भी जंप नहीं कर सकता। कोई ऊपर वाली लोकेशन अगर मैं ढूँढना चाहूँ ना, तो ऊपर वाली लोकेशन भी नहीं ढूँढ सकता हूँ, और ये मेरे पीछे ही पड़ गए हैं जैसे कि। ठीक है, तो मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया क्या है कि अगर मैं एक सेकंड, मैं यहाँ से भी तो जा सकता हूँ ना, एक सेकंड, मैं यहाँ से भी तो अंदर की तरफ जा सकता हूँ जहाँ तक मुझे पता है। ऑल राइट, और यहाँ पर आने के बाद मैं उस गेट को बंद कर सकता हूँ फिर से, और अगर मैं अभी यहाँ से जाऊँगा तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे मार देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है मुझे उस डोर को हैक कर लेना होगा। सबसे पहले उस डोर को हैक करके आता हूँ मैं, यहाँ से शॉर्टकट ले लूँगा और यहाँ से पहले ही निकल लूँगा, मेरे रोबोट को जो है हैक करने दूँगा। ऑल राइट, अभी मेरी जाने की बारी आ गई। ऑल राइट, सारे के सारे जो है मेरे पीछे पड़ जाएंगे अभी। ठीक है, अबे नीचे कूदना बिल्ली। ऑल राइट, ये यहाँ पर मैंने हैक कर दिया और अभी ये मेरे पास नहीं आ सकते। बढ़िया, क्या काम किया मैंने, दिमाग अच्छा है मेरे पास। ये क्या कर रहे अबे, ये इसके अंदर गायब कैसे हो गए पता नहीं। चलो ठीक है, अभी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको मैं घुमा लेता हूँ। ठीक है, और अभी इसके ऊपर से जंप कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, यानी कि मुझे इस डोर को यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा। बट जितने बच्चे कुछ है ना, इनको भी मैं सोच रहा हूँ मार दूँ, लेकिन ये मर नहीं सकते क्योंकि जो बैक्टीरिया यहाँ पड़ा हुआ था ना वो यहाँ पे फिर से गायब हो गया। बट जितनी देर में मैं इस डोर को हैक करूँगा उतनी डोर में तो मैं इसको जो है घुमा भी सकता हूँ। ऑल राइट, ठीक है, फाइनली मैं जो है यहाँ पर आ चुका हूँ, और ये जो है मेरे पीछे भी नहीं आ पाए बेचारे कीड़े, यानी कि zergs। ऑल राइट, अबे नहीं यार, ये यहाँ पर भी हैं, एक जगह पीछा छूटा तो दूसरी जगह पर आ गए, लेकिन मैं यहाँ से बच सकता हूँ जहाँ तक मुझे पता है। मैं जाऊँ किधर किधर जाऊँ, इसके ऊपर जंप करता हूँ अभी इसके ऊपर फाइनली बच गया। इनसे ना काफ़ी ज़्यादा बच बच के जाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो हालत ख़राब होने वाली है।
ये फिर से मर गया शायद से, नहीं मरे नहीं, नीचे की तरफ बैक्टीरिया पड़ा हुआ है जो कि इन्हें मार सकता है, जो कि यहाँ पर रेड कलर का है। यहाँ पर तो वैसे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, और शायद से मैं ऊपर सबसे ऊपर वाली जो बिल्डिंग है यहाँ पर आ चुका हूँ। मुझे जो ट्रांस रिसीवर है वो यहीं कहीं फिट करना होगा। ऑल राइट, यहाँ पर तो नीचे जाने की जगह है। अभी अगर मुझे इससे ऊपर जाना होगा तो मुझे इसके अंदर जाना होगा, ठीक है। यहाँ से मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, यानी कि अभी जो है मुझे यहाँ पर रास्ता वगैरह बनाना होगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं ना ये विंडो टाइप की, मुझे इसी के अंदर जाना है जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट इसके अंदर जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो होना ही चाहिए, या फिर हो सकता है मैं जो ट्रांस रिसीवर है उसे यहाँ पर लगा सकता हूँ। एक सेकेंड, ये क्या है, लीवर टाइप का है ये। ऑल राइट, तो ये जो लिफ्ट है ये तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है, और मुझे ना इसी के अंदर यहाँ पर बैठ के जाना होगा। एक सेकेंड, यहाँ पर ये जो जक्स है ये भी आ गए हैं, और मुझे अभी इन सब से यहाँ पर बचना होगा। एक सेकेंड, मुझे यहाँ बचते बचते जाना होगा। मेरी जो स्पीड है वो यहाँ पर स्लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी जो स्पीड है वो यहाँ पर स्लो गई तो ये लोग जो है मुझे मार देंगे, इतना तो पक्का कह सकता हूँ मैं, ये लोग मार ही देंगे मुझे। मुझे इस तरीके से जो है भागते रहना होगा इन सब से, जब तक कि जो लिफ्ट है ये यहाँ पर नीचे नहीं आ जाती, और मैं लाइक यहाँ पर इनके साथ अगर गोल गोल रानी खेलूँगा ना तो शायद से मैं इनसे जो है बच सकता हूँ इसी टाइप से। बट मुझे इस टाइप से जो है खेलते रहना होगा। नहीं 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 नहीं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। एक सेकेंड, अभी नहीं कर सकते मेरा कुछ। फाइनली यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, और अभी जो है ये जंप ही करते रहेंगे बट मेरा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मैं इसको हैक करके ऊपर की तरफ जा सकता हूँ। फाइनली मैं बच गया, काफ़ी ज़्यादा देर बाद। बस ये चिपक ना जाए या फिर ऊपर से ना कूद जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ से नहीं कूद सकते हैं, और अगर ये जाएंगे ना तो ये इन्हीं के अंदर मर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर मैं एकदम सेफ हूँ। यहाँ पर ना इनके शायद से ये जो म्यूटेशन हो रहा है इनके बीच में, तब भी इतनी सारी गंदगी है यहाँ पे। ऑल राइट, अभी कितना टाइम लगेगा ऊपर पहुँचने में। बस मैं ऊपर की तरफ तो पहुँच ही चुका हूँ, यानी कि बस मुझे ट्रांस रिसीवर है वो यहाँ पर लगाना है, उसके बाद जो मोमो का जो काम है वो यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद मैं जो है मोमो के पास वापस से जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो कोई नहीं ना यार, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। और यहाँ पर ना मुझे उस साइड में जाना होगा, तो इस साइड में मैं डायरेक्ट तो जंप नहीं कर सकता, यानी कि मुझे जाना होगा दूसरी साइड से जाना होगा। ऑल राइट, अभी नीचे कूद जाता हूँ। यहाँ पर मुझे उसी को लगाना होगा, यानी कि जो ट्रांस रिसीवर है, जिससे कि जो मोमो है वो अपने फ्रेंड से बात कर पाएगा, और शायद से हम इस सिटी से बाहर की तरफ निकल सकते हैं। अबे यूज़ करना है यार, क्या मजाक है, मुझे यहाँ पर ट्रांस रिसीवर यूज़ करना है। ऑल राइट, ये लग चुका ट्रांस रिसीवर, और जो सारी के सारे जो लाइट सेंस टावर की वो यहाँ पे धीरे धीरे चालू हो रही है, यानी कि जो ट्रांस रिसीवर है वो यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि हमने उसको बुक से कलेक्ट कर करके उसको लाइक ठीक किया हुआ था। और अभी पूरी सिटी में यहाँ पे सब लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि मुझे लग तो ऐसे ही रहा है। बट यहाँ पर सिर्फ ना अभी टावर्स की लाइट जल रही है, सिटी के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही, शायद नहीं जलती हों, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा काम तो हो गया, और अभी मैं जो है यहाँ से निकल सकता हूँ सीधे मोमो के पास। मुझे अभी वहाँ पर जाना होगा ऊपर वाली राइट के पास। एक सेकेंड, ये क्या कर रहा है, लुक द व्यू इज ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर। ये इसका व्यू, इसको काफ़ी पसंद आ रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये जो स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ना एक टाइप का एक क्या कह सकते हैं, लाइक एक तरीके का नकली स्टार्स है, ये नकली आसमान है, क्योंकि जो यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया, जिससे कि कोई भी बाहर का अंदर की तरफ ना आ पाए। बट यहाँ पे उल्टा ही हो गया, अब कोई अंदर का बाहर की तरफ नहीं जा सकता, बट हमें तो यहाँ पे बाहर की तरफ जाना ही होगा। और ये ना हमारी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ना अभी हमें वापस से मोमो के पास जाना है, और इसकी जो मेमोरी है ना इस रोबोट की, सॉरी इस ड्रोन की, वो धीमे धीमे जो है वापस आ रही है। और फटाफट से इसके अंदर बैठ जाता हूँ। ऑल राइट, अभी बहुत दूर जाना पड़ेगा मोमो के पास, पूरा हम एकदम गोल चक्कर घुमा के आए हैं।
जाना तो लेकिन सामने की तरफ ही है। अभी पता नहीं मोमो खुश हो गया होगा मेरे हिसाब से काफी ज्यादा। बस दूध मिल जाए, दूध ही मिल रहा, काफी टाइम हो गया बिल्ली को। पानी पी के यहाँ पे गुजारा कर रही है बेचारी बिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ पड़ा हुआ है, बॉल है, और यहाँ पर भी ढेर सारी चीज़ें हैं। ये हम मोमो के घर में ही आ गए हैं, लेकिन मोमो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। एक सेकेंड, ये घर तो देखा देखा लग रहा है। हाँ, ये मोमो का घर ही तो है। यहाँ पर उसने शायद एक नोट छोड़ा हुआ है हमारे लिए। इतना बड़ा कोड यार विंडो को खोलने के लिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो कोड है वो हमारे लिए लिख के गया हुआ है, और उस कोड को हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, यानी कि इसको। अरे यार, गलत को डाल दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोड है वो तो उसने डाल दिया, और जो मोमो है वो यहाँ से चला गया है। शायद से उसको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, और वो जो है अभी हमें फिर से बार में मिलने वाला है। तो अभी हमें बार में जाना पड़ेगा उससे मिलने के लिए, और वहीं से वो हमारी हेल्प करेगा। बट जो बार है वो किधर है ये मुझे दिखाई नहीं दे रही। पहले तो मुझे बार ढूंढना पड़ेगा, जो बार है वो किधर है। बट उससे पहले मैं यहाँ से चल लेता हूँ। वैसे जो बार है वो यहीं कहीं तो होनी चाहिए, बट मुझे पता नहीं जो बार है वो किधर है। इससे पूछूं क्या, ये बताएगा शायद कुछ। ओ हेलो मिस्टर पेंटर, बात तो करो यार। अरे यार, तुम एक आउटसाइडर से बात नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। इसका नाम वेपोरा है, इससे बात करता हूँ मैं। अबे यार, ये तो अलग ही है, अलग ही दुनिया में है, मतलब बकेट ना गिर जाए। अब बार किधर होगी, किधर होगी बार, बाहर किधर होनी चाहिए। एक सेकंड, ये तो वही वाली जगह है जहाँ से हम आए हुए थे, और शायद से ये गार्डियन जो है इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। अपने जो मूव्स है वो यहाँ पर दिखा रहा है, और मुझे बार पता नहीं चल रही बार के लिए मुझे किधर जाना होगा। वो बार बार ही वेट कर रहा है, और हम जितनी भी यहाँ पर लाइट चल रही ना, वहाँ पर तो हम होके आ चुके हैं, वहाँ पर भी हम होके आ चुके हैं वाली विंडो पर, और ये वाली विंडो पर भी हमने ओपन कर लिया था, इसको सामने वाली भी ओपन कर ली थी। यानी कि मेरे हिसाब से मुझे जो है अभी नीचे की तरफ ही जाना होगा। एक सेकेंड, अगर मैं बाल्टी के पास जाऊंगा तो शायद से मैं वहाँ पर पहुँच सकता हूँ। ठीक है, तो ज़रा मैं बाल्टी के पास चल लेता हूँ, और बाल्टी के पास जाने के लिए यहाँ पर मुझे कुछ चाहिए होगा। एक सेकेंड, यहाँ से मैं लास्ट टाइम उस साइड में गया हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पर जंप मारा, ये इधर जंप मारा, और एक बार ऊपर। एक सेकेंड, ऑल राइट, बाल्टी किधर, ऊपर की साइड है ना। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं इस बाल्टी के पास आ चुका हूँ, अभी यहाँ से नीचे की तरफ चल लेता हूँ। जो बार है वो आगे की तरफ ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो लोग पता नहीं तापने में लगे हुए हैं। इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ रही कि लोग ताप रहे हैं। नीचे की तरफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट नीचे की तरफ चल लेना चाहिए, क्योंकि बाढ़ जो होगी ना वो शहर के पास में होगी, यानी कि डेड सिटी के पास में ही। इससे बात करता हूँ। इसको आइटम दिखाता हूँ, शायद से कुछ पहचान जाए। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है नहीं बजाता है। ठीक है, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। इससे बात करूँ, ये दोनों के दोनों सेम बात क्यों कर रहे हैं यार। अबे हटो रे, इसके अंदर तो नहीं जा सकता हूँ। ये ना मुझे बार का पता भी नहीं बताएंगे कि बार आखिर में किधर है। मुझे यहाँ से नीचे की तरफ चल लेना चाहिए, या फिर वो जो गार्डियन है वो शायद मुझे बता दे कि जो बार है वो किधर को है। यहाँ पर तो नहीं होगी, यहाँ पर क्या है, जो बार है वो भी मुझे अभी तक नज़र नहीं। एक सेकंड, ये क्या है, ये बार है क्या। एक सेकंड, ये रहा मोमो, काफ़ी देर बाद मिल गया।
ऑल राइट इसकी ड्रेस सही में समझ गया इसको क्या कर रहा है शायद से यहाँ पे जो टीवी है इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा है क्या करूँ पानी पी लूँ एक सेकंड यहाँ पर ये कौन है बिली नहीं यार मुझे कुछ नहीं चाहिए ठीक है और यही जो हाँ ये सब पक्का मैं कह सकता हूँ ये एक टाइप की बार है इसका भी मुझे कुछ काम नहीं है तो मुझे जो है इससे ही काम है एक सेकंड में यहाँ बैठ जाता हूँ ये कितनी देर से मुझे यहाँ पे बैठने के लिए बोल रहा है ऑल राइट ये दिखाना क्या चाहता है मुझे ठीक है तो यहाँ पे ना अभी चेक कर रहा है कि जो ट्रांसीवर हमने लगाया था उसमें जो है कुछ काम भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है ठीक है तो इसका जो फ्रेंड है वो इससे मिल चुका है ज़ेबलेट टजार ऑल राइट तो उसने बताया कि हमें सीवर्ट्स के थ्रू जाना पड़ेगा और जो सिग्नल है वो यहाँ पे लॉस्ट हो गया बट इसको इस बात की खुशी है कि इसका जो फ्रेंड है वो अभी भी जिंदा है और ये बोल रहा है कि हमें सीवर्स के थ्रू जाना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे जो जक्स हैं वो वहाँ पर हैं बट शायद से ये हमारी हेल्प कर सकता है ठीक है तो इसने भी जो है मुझे एक टाइप की वार्निंग दे दिया है कि मैं जो है वहाँ से नहीं जा सकता हूँ शायद से ये मेरी हेल्प कर सके ठीक है तो ये किसी डॉक्टर के बारे में बात कर रहा है जिसने कि जक्स को मारने के लिए कोई वेपन वगैरह बनाया था ऑलराइट ठीक है तो यहाँ पर ना अभी हमें जो है एक सीमस जो डॉक्टर है उसके अपार्टमेंट में जाना होगा और उसके लिए मुझे जो है अभी इसको फॉलो करना होगा यानी कि मोमो को क्योंकि यही जो है मुझे लेकर जा सकता है उस डॉक्टर के अपार्टमेंट में और जो डॉक्टर का अपार्टमेंट है उसमें शायद से कोई क्लू वगैरह हो उस वेपन का जो कि जख्स को यहाँ पे मार सकता हो तो मेरे हिसाब से ये सामने वाला जो अपार्टमेंट है यही मुझे लग रहा है डॉक्टर का लेकिन कुछ कन्फर्म कह नहीं सकते कि यही है कि कोई दूसरा है ठीक है तो यहाँ पर ये जो है आगे की तरफ जाते जा रहा है अभी मुझे जो है डॉक्टर का अपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा एक सेकेंड यहाँ बजाऊँगा तो नहीं इसको जाने देता हूँ इसको फ़िलहाल के लिए और अभी पता नहीं है कितनी दूर लेकर जाएगा मुझे मैं इससे तेज़ वैसे भाग तो सकता हूँ यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है शायद से ये जो अपना रोबोट है शायद से इसको रिमेम्बर कर ले इसकी जो मेमोरी है वो इसके थ्रू वापस आ सकती है या मुझे बताएगा ये क्या चीज़ है ठीक है तो इसकी जो मेमोरी है वो इसको सुन के फिर से वापस की तरफ आ चुकी है और ये जो डॉक्टर का जो घर है वो यहीं के आसपास लग रहा है मुझे या फिर ये जो है डॉक्टर अगर भूल चुका है तो हम जो है जाएंगे डॉक्टर के घर पे स्ट्रे के नेक्स्ट वाले एपिसोड में तो अगर आपको ये जो एपिसोड है वो पसंद आया हो तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिए नीचे आपको रेड कलर का काफ़ी बड़ा बटन आ रहा होगा तो आप जो है जाकर उसे प्रेस कर दीजिए और हाँ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि यहाँ पर हमें जो वेपन है वो मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता जख्स को मारने के लिए तो मैं आपको मिलता हूँ स्ट्रे के नेक्स्ट वाले गेम प्ले वीडियो में तब तक के लिए आप खुश रहिएगा।